प्रेज द लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया, हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारियां आपके पास बिना व्यवधान बिना रुकावट के पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए, क्योंकि यहां पर जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो प्रभु येसु मसीह की एक आज्ञा से रिलेटेड है। प्रभु येसु मसीह ने एक आज्ञा दी है और उसको हम कैसे पूरी करें उसके विषय में मैं आपको बता दूँ। हमें कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे, कुछ कदम हैं, 6 कदम हैं जो हम बढ़ाएंगे तब उस आज्ञा को हम पूरी कर सकते हैं। कैसे वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। बहुत बेहतरीन वचन है, आपके आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है ये वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो हमें बताता है उसे हमें करना ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा क्या है मैं ये आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और इसका 47 और 48 पद है। यहाँ लिखा है, और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो, कि अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते। फिर 48 आयत में जो आज्ञा है वो सुनिए क्या है। लिखा है प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं यहाँ पर, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तुम सिद्ध बनो, एक आज्ञा है प्रभु यीशु मसीह की। सवाल ये आज्ञा यीशु मसीह ने दे दी, लेकिन सवाल मेरे और आपके मन में और हर एक विश्वासी के मन में उठ सकता है कि सिद्ध बने तो कैसे बने। तो आज इसी वचन पर हम मनन करेंगे कि हम कैसे सिद्ध बने, हम कैसे सिद्धता की ओर आगे बढ़े। क्योंकि इब्रानियों 1:6 के पहले पद में लिखा है कि मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाए। लेकिन कैसे, इसी को जानेंगे आज। पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं इस बात को नहीं जानते, क्योंकि सिद्ध तो हर एक को होना है। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल है, प्रभु यीशु मसीह का एक चेला है जिसका नाम है थोमा, उसका एक नाम और है, वो क्या नाम है जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप हमारे बाइबल स्कूल से, अगर आप बाइबल कॉलेज से, अगर आप BBS कोर्स करना चाहते हैं, BBS मतलब बेसिक बाइबल स्टडी, तो उसके लिए आपका आपको हम आमंत्रित करते हैं। आवेदन पत्र तैयार हैं, अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे WhatsApp मैसेज कीजिए और इसमें लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना, ये पत्राचार कोर्स है, और इसके लिए हम इस तरह से बुक्स जो हैं वो आप तक पोस्ट करते हैं हर महीने। 18 बुक हैं, 18 पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों से बहुत से लोग आज सीख कर अपनी सेवकाई कर रहे हैं। ये 12वां बैच है जो सितंबर के अंत में या अक्टूबर के शुरुआत में हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस स्टडी को करें तो WhatsApp मैसेज कीजिए। मैं आपको बता दूँ कि मामूली सी फीस है, ये फ्री में नहीं है, मामूली सी फीस है, वो आपको देनी पड़ेगी ताकि ये बाइबल की जो ज्ञान की बातें हैं इन पुस्तकों में वो आप तक पहुँचें। और ये जो फीस है हम इसलिए ले रहे हैं ताकि कुरियर का जो खर्चा है और जो स्टेशनरी का खर्चा है वो निकल सके, क्योंकि हमारा बाहर से कोई भी कंटेक्ट नहीं है, हमारी इंडिपेंडेंट सेवकाई है और हम किसी से भी कुछ नहीं लेते हैं। अगर आपके मन में परमेश्वर डालता है तो आपके लिए मोस्ट वेलकम, आप हमारी सहायता कर सकते हैं हमारी मिनिस्ट्री के लिए, लेकिन हम बाहर से कोई भी हमारी ऐड नहीं आ रही है, इसलिए हम मामूली सा एक फीस रखकर इस पर चल रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर आप चाहते हैं इस बाइबल कोर्स को करना तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए और विनती करते हैं प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर, मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर, मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो प्रभु। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूं प्रभु जी, आशीष को रिलीज करता हूं प्रभु जी, हरेक को आशीषित कर, कमी घटियां दूर कर, जरूरतों को पूरा कर और हरेक की कमाइयों में बरकतें दे मेरे प्रभु, किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े बल्कि प्रभु जी लोगों को प्रभु जी तेरे बच्चे जो है वो उधार देना शुरू करें।
परमपिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियां दुख तकलीफें लड़ाई झगड़े मन मुटाव बांझपन कर्जा नशा बेरोजगारी कमी घटिया बुरी बीमारी और तलाक की समस्याएं हर एक परिवार से जिनमें है दूर कर दे प्रभु जी। जो लोग खो गए हैं उनको प्रभु जी तू अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुंचा ताकि प्रभु जी उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ आमेन आमेन फिर आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि सिद्ध कैसे बने। यीशु मसीह ने तो आज्ञा दे दी कि सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो सवाल ये उठता है कि हम सिद्ध कैसे बने। तो सबसे पहले हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 47 और 48 आयत 5 अध्याय की जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। दोबारा से पढ़ते हैं इसको और मैं सोचता हूं अगर 48 आयत को ही पढ़ें तो काफी होगा। यहां पर लिखा है इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा पिता स्वर्गीय पिता सिद्ध है। सिद्ध का मतलब होता है परफेक्ट मास्टर। हर एक क्षेत्र में हर जगह मास्टर हो जाना आत्मिक रीति से। सांसारिक रीति की बात नहीं हो रही है आत्मिक रीति से। प्रार्थना योद्धा भी हैं हम वचन को भी प्रचार कर सकें और जगह जगह जाकर परमेश्वर के लोगों को जागरूक कर सकें और हम अच्छे आराधक भी हों। क्योंकि मैंने देखा है कि जो परमेश्वर के लोग होते हैं उनकी बहुत अच्छी आवाज़ होती है और वो जब अचानक कहीं गाते हैं तो बहुत तारीफ होती है उनकी। तो ये होता है सिद्धता। इसे कहते हैं परफेक्ट हो जाना। तो परफेक्ट होने के लिए हमें कितनी बातों की जरूरत है। 1 2 3 4 5 पांच बातें हैं। मैंने 6 बोला था गलती से। 5 बातें ऐसी हैं जो हमें सिद्ध बना देंगी। तो ये 5 बातें क्या हैं ध्यान से सुनिएगा। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे सवाल का जवाब क्या है। यीशु मसीह ने कहा कि सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो प्रभु हम कैसे बने सिद्ध। तब परमेश्वर इस बात का जवाब हमको कहाँ देता है। उत्पत्ति की पुस्तक में 17 अध्याय और उसके पहले पद में। उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय के पहले पद में देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यह है सिद्ध होने की गारंटी। परमेश्वर ने अपने शब्दों में बताया हमको कि मेरी उपस्थिति में। उपस्थिति का मतलब है प्रेजेंस, मतलब उसके नजदीकी में रहना उसके संगति में बने रहना। लिखा है कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा उसने उसको दर्शन देकर कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। यह नहीं लिखा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा, हो गया तो सिद्ध नहीं, सिद्ध होता जा स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया इब्रानियों 6 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है कि मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। एकदम से कोई सिद्ध नहीं हो जाता, एकदम से कोई मास्टर नहीं हो जाता। डिग्री हासिल करने के लिए वर्षों लगते हैं, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाकर हमें डिग्री प्राप्त होती है। तो मतलब क्या है इस बात का कि हमें क्या करना है इस डिग्री को पाने के लिए, इस सिद्धता की डिग्री को पाने के लिए कुछ स्टेप हमको बढ़ाने पड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि हमारे बाइबल कॉलेज का 1 साल का कोर्स है उसमें स्टूडेंट को पूरे साल पढ़ना पड़ेगा तब जाके उनको क्या मिलेगा इस प्रकार का एक सर्टिफिकेट मिलेगा उनको। उसमें यहाँ फोटो भी लगी होगी, ये सर्टिफिकेट है। और ये सर्टिफिकेट क्यों मिलेगा, क्योंकि पूरे साल मेहनत की है, पूरे साल पढ़ाई की है, एग्जाम दिए हैं, 3 एग्जाम होते हैं पूरे साल में। उन एग्जाम में अच्छे नंबर जब लाते हैं तो 1st 2nd 3rd आते हैं उसमें, और उसमें हमको हम शील्ड देते हैं, उनको मेडल देते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ABCD से शुरू करते हैं, जब हम नर्सरी से कक्षा शुरू करते हैं तभी हम ग्रेजुएशन कर पाते हैं, तभी हम ग्रेजुएशन कर पाते हैं। तो सिद्धता की ओर आगे बढ़ने का भी जो मेथड है वो यही है, यही उसका पूरा खाका है, यही उसका लेखा जोखा है कि हमें शुरुआत ए से करनी पड़ेगी
हमें जेड तक जाने के लिए, ऐसे नहीं कि ए से शुरू करा और हम वाई पर पहुंच गए फिर जेड पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो हम गिर जाएंगे। सीढ़ी पर, छत पर जाने के लिए हमें सीढ़ी के पहले कदम जो पायदान है उस पर पैर रखना पड़ेगा, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, फिर हम धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। पहले पायदान पर पैर रखकर हम आखिरी पायदान पर पैर नहीं रख सकते, कोशिश करेंगे तो हम गिर जाएंगे। तो ज़रूरत किस बात की है, सिद्धता की ओर आगे बढ़ने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप आगे चलना पड़ेगा। ये पांच पायदान की सीढ़ी है, उसमें सबसे पहला पायदान है प्रार्थना, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है। हम देखते हैं मती रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसके 20 पद को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। लिखा है, क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। होने का मतलब है उपस्थिति। प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति होती है। जितनी प्रार्थना 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 करते रहेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में हम बने रहेंगे। लिखा है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यहां शुरुआत कहां से होती है? प्रार्थना से। पहला कदम ही है प्रार्थना। जब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आते हैं, हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, उसका जवाब देते हैं और हमारा विश्वास बढ़ता है और फिर हम प्रार्थना 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 करते 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 सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो पहला कदम क्या है? प्रार्थना, सिद्धता की ओर जाने के लिए। मती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 20 पद मैंने पढ़ा है, लिखा है, क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं। ये उपस्थिति है उसकी और इसकी उपस्थिति में ही चलकर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा स्टेप, दूसरा जो पायदान है सीढ़ी का, वो है आराधना। आराधना हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 23 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 23 पद, देखिए यहां पर क्या लिखा है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। जो ऐसे भजन करते हैं, ऐसे आराधकों को ढूंढता है परमेश्वर, ऐसे भजन करने वालों को ढूंढता है, ऐसे आराधकों को ढूंढता है। आराधना का एक फल है कि परमेश्वर उसकी खुशबू, आराधना की खुशबू सूंघता सूंघता कहाँ जाता है? हमारे बीच में आ जाता है। लिखा है यहाँ पर कि परंतु वैसे में आता है, वरन अब भी है, कि जिसने सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। ऐसे ही भजन करने वालों को क्या करता है? ढूंढता है। तो दूसरा स्टेप क्या है? आराधना। जब हम आराधना करते हैं परमेश्वर वहां पर हमें ढूंढता हुआ आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को ढूंढने के लिए हमें पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है, हमें अज्ञातवास में जाने की जरूरत नहीं है, हमें जंगलों में भटकने की जरूरत नहीं है, हमें कमरे में बंद रहकर घंटों बैठे रहने की जरूरत नहीं है, हमें एक टांग पर खड़े रहने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ सच्चाई से और आत्मा से आराधना करनी है। परमेश्वर खुद हमें ढूंढता हुआ हमारे बीच उपस्थित हो जाएगा और ये उसकी उपस्थिति हमें सिद्धता की ओर थोड़ा और आगे बढ़ा देगी। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा बात, पहला प्रार्थना, दूसरा आराधना, तीसरा जो कदम है, तीसरा जो पायदान है वो है परमेश्वर की स्तुति। भजन संहिता 22 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं और उसके 3 पद को, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। लिखा है, परंतु हे तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। लिखा है, हे तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर, जब हम स्तुति करते हैं तब क्या होता है? एक सिंहासन स्थापित हो जाता है जो इंडिविजिबल होता है, जो दिखाई नहीं देता, अदृश्य होता है, उस पर परमेश्वर आकर विराजमान हो जाता है। यह है परमेश्वर की उपस्थिति का तीसरा पड़ाव, तीसरा पायदान, स्तुति। अब आराधना स्तुति दोनों अलग अलग हैं। कैसे? आराधना जो होती है वो सोलो सॉन्ग होते हैं, जब हम गाते हैं सोलो सॉन्ग, हाले हाले लुया हाले लुया हाले लुया, ये है आराधना। और जो स्तुति होती है वो हम साज के साथ करते हैं, ढोलक बजा रहे हैं, ड्रम बजा रहे हैं, कीबोर्ड बजा रहे हैं, झांझ बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, वो होते हैं स्तुति के गीत। और उससे क्या होता है, भवन जो है वो भर जाता है और परमेश्वर का सिंहासन स्थापित होता है और वहाँ पर परमेश्वर उपस्थित हो जाता है। ये तीसरा पड़ाव है, ये तीसरा पायदान है सिद्धता की ओर आगे बढ़ने के लिए। पहला प्रार्थना, दूसरा आराधना, तीसरा स्तुति। अब चौथा देखिए कौन सा है? चौथा है परमेश्वर का जीवित वचन।
पहला दूसरा तिमुथियस 3 अध्याय और उसका 16 और 17 पद। यहां पर देखिए वचन के विषय में क्या लिखा है कि हरेक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। परमेश्वर का वचन, हरेक पवित्र शास्त्र जो वचन की पुस्तकें बाइबल में लिखी है उनके विषय में लिखा है कि हरेक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। और 17 पद में देखिए क्या लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हरेक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, यानी कि तैयार हो जाए, हरेक भले काम के लिए तैयार हो जाए। तो चौथा कदम क्या है, परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहना, मनन करते रहना, जुगाली करते रहना, दिमाग में वचन को डालकर उसे घुमाते रहना, समझते रहना, परमेश्वर से बातचीत करते रहना, प्रभु इसका मतलब मुझे बता, इसका मतलब मुझे बता, और परमेश्वर उसका मतलब जरूर बताएगा। बहुत जरूरी है इस बात को जानना कि वचन के भेद क्या है, उसके लिए हमें सिद्ध बनने की जरूरत है। तो चौथा पॉइंट क्या हो गया, परमेश्वर का वचन। पांचवा और आखिरी कदम, पांचवा और आखिरी पायदान, इस सीढ़ी का आखिरी पायदान क्या है, वो है परमेश्वर के लोगों की संगति। हम देखेंगे इफिसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय 11 और 12 पद। इफिसियों 4 अध्याय 11 और 12 पद यहां लिखा है, और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। यहां पर प्रेरित नहीं लिखा है, इसमें 5 प्रकार की मिनिस्ट्री यहां पर दी गई है। तो यहां पर लिखा है कि और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करते करके कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करते, कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, कितनों को रखवाले और कितनों को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। जितने भी परमेश्वर के लोग हैं वो परमेश्वर ने उनको चुना और लोगों को दे दिया। क्यों, 12 पद में देखिए क्या लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह यानी कि कलीसिया जो है वो उन्नति पाए। जब कलीसिया में सिद्ध लोग होंगे तो वो उन्नति पाती चली जाएगी। यीशु मसीह ने तो कहा कि सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मेरे और आपके दिमाग में एक सवाल आ गया कि प्रभु सिद्ध हम कैसे बने, तब परमेश्वर ने उसका जवाब हमें बहुत पहले दे दिया था, उत्पत्ति की पुस्तक में 17 अध्याय में वहां लिखा है कि अब्राहम जब 99 वर्ष का हुआ तब परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। कहाँ है परमेश्वर की उपस्थिति? परमेश्वर की उपस्थिति प्रार्थना में है, परमेश्वर की उपस्थिति आराधना में है, परमेश्वर की उपस्थिति स्तुति में है, परमेश्वर की उपस्थिति किसमें है, स्तुति के बाद वचन में है, और परमेश्वर की उपस्थिति संगति में है। जब इन 5 बातों को हम अपने जीवन में पूरा करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में चलते 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 हम सिद्ध होते चले जाएंगे, क्योंकि अब बच्चा बना रहने की जरूरत नहीं है, अब हमें दूध नहीं बल्कि अन्न चाहिए ताकि हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं। इब्रानियों 6 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है कि इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं। तो सिद्ध होने के ये 5 पॉइंट हैं। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और बताइए कि आपने आज क्या नया सीखा है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। क्रूपल्स में आज का सवाल है कि थोमा का एक नाम और था, वो क्या था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिएगा, मैं उस पर कुछ नहीं बता पाऊंगा। व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और उसमें लिखिए कि BBS कोर्स करना है, मुझे BBS कोर्स करना है, तो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। मामूली सी फीस है, वो अदा करके आप पूरे 1 साल हमारी 18 किताबों को प्राप्त करके उसमें आप इसको सीख सकते हैं। और पास्टर लोग अगर ये पूरा पैकेज चाहते हैं 18 किताबों का, तो वो भी इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको ये किताब ज़रूर देंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड।
आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इन 5 बातों को अपने जीवन में उतार लीजिए अगर आप सिद्ध बनना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।